मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन और बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। ये है बाकी हनुमान द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर सन क्विरल आर्क का एपिसोड नंबर 4, वो भी पुराने स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम शिबू कावो को अपने ग्राउंड में बैठते हुए देखते हैं और साथ ही साथ वो मिस्टर कुरियागावो को भी कहते हैं अपने साथ बैठने के लिए और वो बैठ भी जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर कुरियागावो के कुछ सवाल होते हैं इस ग्राउंड को लेकर, यहाँ पर कि कैसे बहुत सारे जो फाइटर्स हैं वो एकदम मेहनत करते हैं जिंदगी भर, स्ट्रांग बनते हैं और यहाँ पर लड़ने आते हैं, मरने मारने आते हैं। कुरियागावो कहते हैं कि यहाँ पर वो लोग अपने फाइटिंग स्पिरिट से लड़ते हैं, यहाँ पर आखिर इतनी हिम्मत उनमें आती कैसे है। अभी यहाँ पर शिबू कावो जो होते हैं वो कहते हैं कुरियागावो तुम्हें फाइटर्स के बारे में अच्छी नॉलेज है। वो उनसे ये भी पूछते हैं कि क्या तुमने फाइट्स देखी हैं और देखी हैं तो कितनी देखी है। यहाँ पर कुरियागावो कहने लगते हैं शायद 2 से 3 बार ही देखा होगा। तभी हम देखते हैं शिबू कावो को जो कि स्ट्रीट में चल रहे होते हैं और यहाँ पर मिस्टर टोकुगावो बताने लगते हैं कुरियागावो को कि किस तरीके से इनके मन में हमेशा के लिए फाइट के लिए जो है एकदम मतलब प्यास बनी रहती है इतने बड़े बड़े लीडरशिप पोजिशन में होने के बावजूद भी। तभी हम देखते हैं रास्ते में ही चलते चलते टोकुगावो से कुछ गुंडे जो है, थोड़े गुंडे टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो लोग उनसे टकरा जाते हैं। बैकग्राउंड में टोकुगावा भी कह रहे होते हैं कि ये लोग जो है कभी भी फाइट स्टार्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर इतना कुछ हो ही रहा होता है तभी अचानक से टोकुगावा, क्योंकि वो लोग उसे टकराए होते हैं तो वो गुस्से में पलट कर उन्हें पंक कह देते हैं, शायद सीएम पंक कह देते हैं। उन लोगों को शिबुकावा ने गुस्से में ऐसा कह दिया होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से उन दोनों की जिया जले जान जले हो जाती है और वो लोग एकदम दौड़ते हुए आ जाते हैं शिबुकावा के पास, उनके कॉलर वगैरह वो पकड़ने लगते हैं। पीछे टोकुगावा की भी आवाज आ रही होती है, वो कहते हैं कभी भी ये लोग फाइट स्टार्ट खुद से नहीं करते, लेकिन जब कभी हो जाती है ना तब रुकते भी नहीं। खैर अब यहाँ पर जो है बात बढ़ गई होती है, एकदम कॉलर वगैरह खींचने लगता है एक बंदा उनमें से, मिस्टर शिबुकावो का। लेकिन शिबुकावो थोड़ा हंस खेल कर टालने की कोशिश करते हैं बात को और अपनी एक उंगली आगे करते हैं, उतने में ही वो बंदा उसे पकड़ लेता है। उसने उंगली को जोर से पकड़ रखा होता और तुरंत ही एक घूसा मारने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही अचानक से शिबुकावो जो होते हैं आ जाते हैं अपने डार्क साइड में और घुमा के रख देते हैं उसे खड़े खड़े हवा में ही। आईकी का प्रयोग यहाँ पर कर दिया होता है शिबुकावो ने अपने, और यहाँ पर जो है वो लड़का इससे पहले कि कुछ समझे कि इसके साथ क्या हुआ, अचानक से वो उसे गिराकर उसके बिल्कुल गले में अपना पैर मार देते हैं यार। इसके बाद वो लड़का वहीं का वहीं चित हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके साथ जो मोटा भाई होता है उसका भी जिया और जान दोनों जलता है, तो इसीलिए वो निकाल लेता है चाकू। ओहो, इससे पहले चाकू वाला बंदा कुछ करे शिबुकावो अपने चश्मे को निकाल कर फेंक देते हैं उसके तरफ ग्लासेस को। फिर इसके बाद गिरते हुए ग्लासेस में उस बंदे का ध्यान लगने लगता है और तभी अचानक से एकदम शिबुकावो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं उस बंदे के और खचाक से उसके गले में एकदम मतलब टेटुए में यार अपनी उंगली को घुसा दिया होता है। वो मतलब एकदम वो लड़का लिफ्ट ही हो जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। सच में काफी बढ़िया तरीके से ये वार किया था मिस्टर शिबुकावो ने। तो फिर क्या होता है, ये बंदा भी डाउन हो जाता है, एकदम गिर जाता है रोड पे और शिबुकावो जो है बड़े ही स्टाइल के साथ एकदम घुमा कर अपने चश्मे को दोबारा से पहन लेते हैं और हम देखते हैं पुलिस के आने से पहले वो बिल्कुल वहां से क्रिश की स्पीड में फरार हो जाते हैं। यही चीज मिस्टर टोकुगावो समझा रहे होते हैं कुरियागावो को कि इनकी वॉरियर मेंटेलिटी और फाइटिंग स्पीड जो होती है बस कुछ ही देर की होती है, लड़ते तक की होती है, उसके बाद इन्हें बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह फरार होना पड़ता है यार। इसीलिए हम इन्हें ये अंडरग्राउंड अरीना देते हैं ताकि यहाँ पर वो अपने पूरी वॉरियर स्पिरिट का इस्तेमाल करके लड़ सके, एकदम जी भर के लड़ सके। वो ये भी कहते हैं कि कोई भी लड़े कोई भी ज्वाइन करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है वो स्टोरी जो थोड़ी अजीब लगती है लेकिन है सही। खैर यहाँ पर जो है इतना सुनने के बाद मिस्टर कुरियागावो एकदम समझ जाते हैं और अपनी जांघों में हाथ मारते हैं और ये वाला एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। खैर कुछ लोगों को मेरा पुराना स्टाइल पसंद है, कुछ लोगों को मेरा नया स्टाइल पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा मिक्स करके ला रहा हूँ ताकि सभी को अच्छा लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।